हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइबा क्रिएटिविटी। आज मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो लाई हूँ कि आप लोग किस तरीके से सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया बनाना सीख सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग क्रोशिया किस तरीके से पकड़ सकते हैं और चेन किस तरीके से बना सकते हैं, स्लिप स्टिच किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर वो वाला वीडियो देख के आइए, क्योंकि अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोगों को ये वाला भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने चैन बना लिया। चैन बनाने के बाद अब मैं सिंगल क्रोशिया बता रही हूँ कि किस तरीके से आप लोग सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। चैन बनाने के बाद नेक्स्ट चैन में इस तरीके से क्रोशिया डाला और फंदे को इस तरीके से निकाल लिया और ये दो फंदा हो गया। दोनों फंदे को एक साथ इस तरीके से निकाल देना है। ये एक सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर से नेक्स्ट चेन में डाला, इस तरीके से निकाला, फिर दोनों फंदा को एक साथ निकाल दिया। ये सिंगल क्रोशिया है। ये देखिए, ये देखिए, नेक्स्ट चेन में डाला, डबल फंदा को एक फंदा करना है। ये देखिए, फिर से नेक्स्ट चेन में डाला, डबल फंदा हो गया, इसको एक फंदा करना है। डबल डाला, दो फंदा हो गया, इसको एक फंदा करना है। ये सिंगल क्रोशिया है। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा तो बहुत जल्दी बनाना आ जाएगा आप लोगों को। ये देखिए, दो फंदा को एक फंदा करना है। ये इस तरीके से डाला, इसको इस तरीके से निकाल कर दो फंदा को एक फंदा करना है। ये देखिए, ये देखिए, ये लास्ट चेन है। इसको इस तरीके से निकाला और दोनों को एक साथ ये कर दिया। फिर एक चेन लिया, वर्क टर्न कर लिया। ये देखिए, ये सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर से दो फंदा निकाला, इसको एक कर दिया। इसी तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोगों को मेरे सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो में वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, फिर एक चेन लिया, वर्क टर्न कर लिया। अब मैं आपको डबल क्रोशिया बनाकर बताती हूँ कि डबल क्रोशिया किस तरीके से बना सकते हैं। एक चेन लेने के बाद ये वाले फंदा को इसको इसके यहाँ पे फंसाया, फिर से इसको इसके अंदर लेके गए फर्स्ट वाले चेन में। ये देखिए, ये तीन हो गया, एक दो तीन, इसको दो करना है। इस फिर क्रोशिया को उन में फंसा कर इसको दो फंदा बना लिया। ये देखिए, एक दो, फिर इसको एक फंदा बनाना है। फिर इसको इसमें फंसाएं, इसको इस तरीके से निकालें। ये एक सिंगल डबल क्रोशिया हो गया। फिर से देखिए, ये उनको इस तरीके से फंसाया, फिर चेन में ढुका कर इस तरीके से निकाला, तीन फंदा हो गया। इसको दो फंदा बनाएं, फिर इसको इस तरीके से एक फंदा, ये दूसरा बन गया। फिर से तीन फंदा,
दो एक। बहुत इजी है बनाना। जब आप लोग ये वाले डिज़ाइन सीख जाएंगे, सिंगल कुरेसिया और डबल कुरेसिया बनाना सीख जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक कैप शेयर करूँगी कि आप लोग किस तरीके से वुलन कैप बना सकते हैं। बहुत इजी है वो भी बनाना। उसमें मैं सिंगल कुरेसिया, डबल कुरेसिया और चैन का यूज़ करके आप लोगों को डिज़ाइन बताऊंगी। ये देखिए, वर्क टर्न करने वक्त एक चैन लेंगे, वर्क को टर्न किया, फिर से उसी में डालकर क्रेसिया बनाएंगे। तीन फंदा किया, उसको दो किया, फिर एक किया, फिर तीन फंदा, दो, एक, फिर नेक्स्ट चैन, फिर दो, फिर एक। इसी तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। दो एक, फिर से इसमें डाला, दो एक, फिर से तीन फंदा बनाया, फिर से दो, फिर एक, ये लास्ट वाले चेन में डाल के दो एक, फिर से वर्क टर्न करके एक चेन लेके आगे बनाना है। अब मैं सिंगल कुरेसिया और डबल कुरेसिया में फ़र्क बताती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये सिंगल कुरेसिया है, ये छोटा बना है, ये बॉर्डर में काम आता है सिंगल कुरेसिया, और ये डबल कुरेसिया है, ये डिज़ाइन बनाने में काम आता है। ये देखिए, ये इसका डिज़ाइन बड़ा है, इसका डिज़ाइन छोटा है। अब मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।